हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? और आज के वीडियो में शेयर कर रही हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। बहुत लोग ने मुझे रिक्वेस्ट किया हुआ था, तो होपली आप लोग को अच्छा लगे। और ये मेरा टिपिकल मॉर्निंग रूटीन है, स्पेशली ऑन वीकडेज ऐसा ही रहता है। कभी कभी खाना बनाने का स्टाइल अलग होता है। आज मैं बना रही हूँ प्रॉपर लंच मेरे हस्बैंड के लिए, जैसे हम लोग के घर में बनता है। और अभी सुबह हुआ है और मैं अभी उठी और अभी वार्म ग्लास ऑफ वाटर विथ एप्पल साइडर विनेगर से शुरू की हूँ। और कल रात को मैं दही जमाई थी, और कभी मैं बनाती नहीं हूँ दही घर में क्योंकि मेरा अच्छा नहीं बनता, बट फ्रॉम लास्ट 2 और 3 टाइम्स बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो मैं घर में बनाना शुरू की हूँ। और अभी राइस के लिए मैं पानी चढ़ाई और अभी सब्जी निकाल रही हूँ लंच प्रिपरेशन के लिए। लास्ट एक ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर की थी तूर दाल का डालमा, आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मूंग दाल का डालमा। और ये स्पेशली मेरे घर में नहीं बनता, मेरे फ्रेंड लोग से सीखी हूँ और हम लोग को अच्छा लगता है, स्पेशली फॉर देवांस मुझे अच्छा लगता है उसको खिलाना क्योंकि सब वेजिटेबल्स जाता है उसमें और दाल भी। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास जितना भी सब्जी है मैं वो काट रही हूँ, और अभी थोड़ा सा दाल को फ्राई कर ले रही हूँ, उसके बाद उसको धोना है। और पानी बॉयल की, उसमें मैं ऐड की थोड़ा सा हल्दी। अभी मेरा पानी बॉयल भी हो गया है दाल के लिए, अभी मैं दाल ऐड करूँगी और बाकी जितना वेजिटेबल्स। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं देवांश उठ भी गया है, वो थोड़े टाइम के लिए मेरे पास गोदी होगा, फिर उसके पापा के पास रहेगा फॉर नेक्स्ट 1 आवर, जब तक मेरा काम नहीं ख़त्म होता। और अभी मैं नाश्ते में ध्यान दे रही हूँ और दाल में अभी सब्जी ऐड करके उसको सीटी लगा लेंगे। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ ओट्स का चीला बोल सकते हैं, और आप पैनकेक्स भी बोल सकते हैं। इसके लिए मैं क्या कि ओट्स का आटा ली, उसमें 2 स्पून ऑफ राइस फ्लावर और फिर दही और नमक ऐड करके उसको थोड़ा साइड करके रख लेंगे, पानी मिक्स करके रखेंगे उसमें ताकि वो थोड़ा टाइम फूले। जे गुड मॉर्निंग, तो पेंगुइन अच्छे तो टॉप रे बॉक बॉक स्पाइडर स्पाइडर क्या है ना स्पाइडर कम बॉक। थोड़ी देर के बाद मैं ऐड करूंगी उसमें ग्रेटेड कैरेट और थोड़ा सा धनिया पत्ता, ऑनियन, अगर आप चाहें तो ग्रीन चिली डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं, और उसको मिक्स करके रख लेंगे। जब आपको बनाना होगा वो रेडी है बनाने के लिए। आज मुझे दही भिंडी बनाना है, तो मैं भिंडी को थोड़ा सा धो के, उसमें थोड़ा सा पानी था तो मैं ड्राई कर रही हूँ टिशू के हेल्प से, और भिंडी को थोड़ा सा काट लेंगे छोटा छोटा करके। और अभी जैसे देख रहे हैं देवांश ब्रश कर रहा है, करने नहीं देता, ऐसे ही कुछ ब्रश वो करता नहीं है, ऐसे उसको चबाते चबाते उसको फेंकता है, बट मुझे करने नहीं देता कि उसके पापा को भी करने नहीं देता। और अभी थोड़ा सा ऑयल लेके मैं भिंडी को फ्राई कर रही हूँ, और सुबह ही देवांश उठता है तो मैं उसको वार्म ग्लास ऑफ, थोड़ा सा ग्लास तो नहीं वो पीता है, फेंक दे रहा है, तो मैं सिपी कप से ही पानी देती हूँ उसको, थोड़ा पानी पिए बोल के। थोड़ा सा पीता है, पूरा नहीं पीता है, बट थोड़ा तो पीता ही है इसलिए देती हूँ। अभी मेरा भिंडी फ्राई भी हो गया है, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, दही ले रही हूँ 1 कप दही, उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करना है, 1 स्पून इज़ एनफ। और थोड़ा सा मैं टमाटर काटी और अभी पंचफूरन डाल दी तेल में, और टमाटो को डाल देंगे, और फिर सॉफ्ट होने के बाद टमाटो हम लोग क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे दही, और जितना आपको पानी चाहिए उसके हिसाब से आपको पानी भी डालना है, और फिर हम लोग ऐड कर देंगे नमक। और अभी मैं पैनकेक्स बना रही हूँ स्पेशली फॉर देवांश कि ताकि वो खाए। आई एम श्योर वो इतना नहीं खाएगा, एक ही खाएगा, तो मुझे लगता है उसका पेट नहीं भरा है, बाद में मैं और कुछ खिलाऊंगी उसको। और फिर अभी मैं क्या कि टमाटर काट रही हूँ, ऑनियन काटी और फिर थोड़ा सा अदरक ग्रेटेड करके रखी, और अभी मेरे हस्बैंड उसको ब्रेकफास्ट करवा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हम लोग ऐड कर देंगे भिंडी को, और बस हो गया, थोड़ा सा ही उसको उबलने देना है, बस निकाल दे। और एक जगह में मैं क्या कि ऑयल ली, उसमें पंचफूरन ली, कड़ी पत्ता ली, ग्रेटेड जिंजर ली, और थोड़ा सा हींग और ऑनियन, उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
और फिर और एक जगह पे मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा करेला और आलू का फ्राई करना है तो उसको मैं काट रही हूँ। एक ही करेला ली हूँ, एक ही आलू ली हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को इतना पसंद नहीं है बट मुझे अच्छा लगता है। और अभी उसमें मैं क्या की, ऑनियन फ्राई होने के बाद टमाटर ऐड कर दी और जो दही में थोड़ा सा खट्टा लगा, तो मेरी सासू माँ हमेशा थोड़ा सा गुड़ ऐड करती है तो मैं ऐड की थोड़ा सा गुड़। और इधर भी मेरा टमाटो हो चुका था तो मैं उसमें ऐड कर दी दाल और थोड़ा सा घर का पिसा हुआ जीरा का पाउडर। और मेरा दाल भी हो गया, दही भी हो गया। अब एक जगह पे मैं ले रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, उसमें मस्टर्ड सीड डाली, थोड़ा एक सूखा मिर्च और फिर कटा हुआ करेला और मेरा आलू, और बस उसको थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। बहुत ही सिंपल होता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली आप अगर नॉनस्टिक वाला कुछ कढ़ाई यूज करें तो ये जो फ्राई होता है बहुत अच्छा लगता है, चिपकता नहीं है इसलिए। और बस हो गया। और देवांश का ब्रेकफास्ट भी एक ही साथ खाया, पैनकेक। तो थोड़ी देर के बाद मैं उसको और एक बार फिर सूजी का कुछ बनाऊँगी और खिलाऊँगी। अभी मेरे हस्बैंड के लिए मैं ब्रेकफास्ट बना ली और इसके साथ चटनी भी बहुत अच्छा लगता है, बट आज मुझे टाइम नहीं था तो मैं टमाटो केचप भी अच्छा ही लगता है, मुझे पिकल खाना अच्छा लगता है, मेरे हस्बैंड को केचप। और अभी मेरे हस्बैंड ब्रेकफास्ट भी के थोड़ा सा सोक आलमंड था उसको भी मैं निकाल के दी। अभी वो ऑफिस के लिए निकल गए और बाय बाय का सेशन अभी भी बहुत टाइम तक चलता है और यहाँ से वो बाय बोलते हैं तो हम लोग बैठे रहते हैं ताकि वो दिखे उनका कार जाए तो। और फिर अभी मैं मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, उसी टाइम में मैं नहा भी ली मेरे हस्बैंड जब ब्रेकफास्ट किए, और अभी थोड़ा सा पूजा करूँगी। सुबह जो होता है मेरे लिए बहुत ही एक्टिक होता है, स्पेशली मेरे लिए क्या, मेरे हस्बैंड के लिए भी। वो भी उठते हैं, नहाते हैं, देवांश को ब्रेकफास्ट हमेशा करवाते हैं वो, और फिर ऑफिस के लिए खुद ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। और अभी देवांश के लिए मैं थोड़ा सा सूजी बनाई मीठा वाला, वो आप लोग को नहीं दिखा पाई, उसको थोड़ा सा खिला दे रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था कि उसका पेट भरा होगा बोल के। और फिर अभी मैं थोड़ा सा किचन क्लीन कर लूँगी, थोड़ा सा वो खेल रहा है तो मैं जितना भी बर्तन होता है उसको मैं एक साइड में थोड़ा सा वॉश करके रख देती हूँ ताकि वो डिश वॉशर में डालने के लिए रेडी हो, और हम लोग रात को ही डालते हैं। बहुत जल्दी मॉर्निंग अभी है तो नाइट वाला रूटीन भी आप लोग से शेयर करती हूँ। और फिर हम लोग थोड़ा सा, मैं उसको हमेशा अभी इस टाइम पर ही 10:30 to 11 हम लोग मिलते हैं सब फ्रेंड्स जितने हैं कम्युनिटी में, तो मैं उसको पार्क लेके जाती हूँ। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा लग रहा है और मॉर्निंग मॉर्निंग थोड़ा सा विंटर जैसे फील हो रहा है। मैं पहले बाहर पैटियो में जाके बैठती थी, आजकल नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा ठंड ही है और थोड़ा इवनिंग को भी ठंड रहता है। आप लोग के यहाँ पे कैसा वेदर है मुझे पक्का कॉमेंट करके बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। और अभी देवांश को लेके मैं घर भी आ गई, उसका नहाने का टाइम हो जाएगा अभी अराउंड 12:30 उसको मैं नहलाती हूँ हमेशा, और उसके बाद उसको लंच करवाऊँगी। उससे पहले मैं पक्का याद करके ऑयल मसाज करती हूँ, कंपलसरी घर में ऑयल मसाज ज़रूरी है बोलते हैं क्योंकि उसको ठंड ना पकड़ ले और बॉडी काइंड ऑफ मॉइस्चर भी रहे, अभी तो विंटर भी आने वाला है। और अभी देवांश को मैं नहला भी ली और उसके लिए मैं लंच निकाल रही हूँ। और पहले आप लोग अगर मेरा व्लॉग को कुछ देखे होंगे तो आपको पता होगा मैं पहले थोड़ा प्रिपरेशन करती थी, कुछ कुछ चीज़ बना देती थी रात को, बट आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। देवांश को मैं सब चीज़ खिला रही हूँ तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ, मैं सुबह ही बनाती हूँ, उसको फ्रेश देना ही मुझे अच्छा लग रहा है और वो खाता भी है इसलिए मैं उसको खिलाती हूँ। और दही का कुछ चीज़ तो पक्का मैं बनाती हूँ, दही बैंगन हो गया, दही बूंदी हो गया, दही भिंडी हो गया, कुछ भी मैं बनाती हूँ क्योंकि उसको अच्छा लगता है, स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप नहीं जानते हो, अभी पम्पकिन सीजन चल रहा है तो अभी पम्पकिन भी है घर में और हम लोग अभी थोड़ा स्टिकर्स लगा रहे हैं, वो एक एक्टिविटीज़ है दिवंश के टाइम पास के लिए। Good job. Where is fish? Goldfish.
Where is goldfish? Daughter. Good job. And where is dog? Dog. Where is dog? Dog. Yay! Dog. And where is cat? Cat. Pick. Catch, beta. Catch a pick. Yay! And where is it? Orange, good job. मैं 3 months से ही देवांश को books introduce की थी और उसका book के साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव है. मुझे उठने नहीं देता वहाँ से. जितना उसका book shelf में books है वो सब पढ़ेगा. After then वो सोने जाएगा. मम्मा. देवांश, let's go to bed, बेटा. Sleeping time. Devan, sleeping time. Baby, let's go to bed. तो ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन. कब से मन है कि मैं सुबह जल्दी 5 बजे कि 6 बजे उठूं, बट नहीं हो पा रहा अब तक. और अभी देवांश नैप के लिए गया. अभी वो एक ही नैप लेता है. कभी कभी 1 घंटा सोता है, कभी कभी 2 घंटा भी सोता है, और कभी कभी 40 मिनट्स में भी उठ जाता है. तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा लैपटॉप ऑन करूँगी और आप लोग का कॉमेंट्स पढ़ूँगी. मैं चेक करती हूँ सब ईमेल्स वगैरह सब चीज़. घर से बात होता है, कोई फ्रेंड के साथ ज़रूरी बात होता है तो वो भी होता है. और उसके बाद मैं लंच करती हूँ और कमेंट आप लोग का पक्का पढ़ती हूँ. तो पक्का याद करके कमेंट कीजिएगा. और अगर आप नए हैं, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर. एंड थैंक्स फॉर वाचिंग. सी यू इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.